हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल फॉर यू में। तो आज हम लोग करेंगे पार्ट फोर, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। हम लोग आज बात करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। हालांकि उसका कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो नहीं हम लोग करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए दो चार पांच ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मैं बता दूंगा, कैसे क्या क्या होता है, किस पॉइंट पर होता है, उसको रिमेंबर रखना है, पूछ सकता है बोर्ड्स में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मैंने लिखा है कि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब है, ज्योमेट्रिक क्या होता है, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, ये तो ज्योमेट्री होता है। यानी कि शेप पे, साइज पे, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट का। किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके शेप पे, साइज पे, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। तो ये तो किस पे डिपेंड करता है, ये बात मैंने कर दिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, रेगुलर ले लो, इरेगुलर ले लो। मान लो कि यहां पे एक ऐसे करके एक पत्थर है, तो उस पत्थर के पार्टिकल्स को मैं क्या मान रहा हूं, तो बहुत छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे उसमें पार्टिकल्स हैं। तो हर पार्टिकल का वेट अपना एक नीचे डाउनवर्ड लग रहा होगा, हर पार्टिकल का वेट एक नीचे डाउनवर्ड की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं कि एक ऐसे इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऐसे मान लेते हैं कि वहां पे वेट डब्ल्यू 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 और सारे वेट पैरेलल, इसलिए मैं मान लूंगा कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ना, तो एक दूसरे से मैं क्या मान के चलूंगा, बहुत नाक बराबर में डिस्टेंस है, तो वो पैरेलल ही एक्ट करेगा नीचे की तरफ। तो जब वेट पैरेलल एक्ट करेगा सब पार्टिकल्स का, तो यदि मैं पूरे ऑब्जेक्ट के वेट के बारे में बात करूं तो वो क्या होता है, इन सारे का क्या होता है, एवरेज होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि एवरेज वेट कहां पे एक्ट कर रहा है, पूरे बॉडी का एवरेज वेट किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसको दूसरे तरीके से समझते कैसे हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको यहां पे बैलेंस करने की कोशिश करूं, इधर की तरफ गिर जाएगा, कोई एक पॉइंट तो ऐसा होगा जिस पे ये बैलेंस हो जाए। तो जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हो जा रहा है, ना इधर मूव कर रहा है ना इधर मूव कर रहा है, मतलब क्या कि इसके वेट के वजह से, मान लेते हैं कि ये डब्ल्यू वन इधर एक्ट, डब्ल्यू टू, डब्ल्यू थ्री, डब्ल्यू फोर, बहुत सारे वेट एक्ट कर रहा है, और उस वेट के वजह से इधर एक मूवमेंट जनरेट हुआ, ठीक है, W1D1, W1D2, वैसे इधर भी मूवमेंट जनरेट हुआ। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किस पॉइंट के अबाउट बैलेंस हो जा रहा है, वो पॉइंट होता है, वही पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मैंने लिखा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का वेट का एवरेज लोकेशन किस पॉइंट पे, पूरा वेट, एवरेज वेट मतलब उस पूरे वेट का एवरेज वेट किस पॉइंट पर कंसेंट्रेट कर रहा है, वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। फिर मैंने लिखा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब क्वेश्चन अराइज करते हैं कि क्या सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, नहीं, मास सब जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हमें जो पढ़ना है, हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए ही हमें पढ़ना है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी किसी ऑब्जेक्ट में हो सकता है। मान लेते हैं इधर ज्यादा मास है, इधर कम है, थोड़ा इधर कम है, तो अलग अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो सीजी का वैल्यू वेरी करेगा, और उसको कैलकुलेट करने के लिए फिर कैलकुलस आना चाहिए हमें, वो 11th-12th का बात है। अभी हम क्या मान के चलेंगे कि जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मान के चलेंगे चारों तरफ मास क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब किस चीज पे बस डिपेंड करेगा, शेप और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, कैसा स्ट्रक्चर उस ऑब्जेक्ट का है उस पर डिपेंड करेगा, मास पे, मास को हमने कॉन्स्टेंट कर लिया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। तो क्या कहता है कि यदि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का किसी ऑब्जेक्ट में, मास चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका एवरेज वेट किसी एक पॉइंट पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो पॉइंट क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। यानी कि उसको हम फोल्ड करें, दोनों इक्वल पॉइंट पार्ट में डिवाइड हो जाए, लाइन ऑफ सिमेट्री, क्लास 8 में आपको पढ़ेंगे सिमेट्री का लाइन। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का होता है कि वो पॉइंट जिसके अबाउट वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही कहीं ना कहीं सीजी लाई करेगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग लिखिएगा, मैं समझाता हूं कि हम इन बातों में करना क्या चाहे, क्या मैं इतना बात जो बोला वो उसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में हमने क्या बात किया। इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा कि ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये शेप, साइज, स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करेगा। दूसरा बात, ये एवरेज लोकेशन ऑफ वेट है, यानी कि एवरेज वेट, टोटल जो मैं वेट एक 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 करके नीचे ले रहा हूं, सबका एवरेज वेट कहां पे उस पर्टिकुलर बॉडी पर लग रहा है, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उसी पॉइंट पर लगता है, सीजी पे ही एवरेज वेट लगता है। और तीसरा हमने लिखा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन यदि मास का है, तो उसका सीजी कहां पर लाई करेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा, ठीक है। इसको आप लोग लिखिएगा, इसको डायग्रामेटिकली हम लोग समझते हैं, ठीक है, देखते हैं कि कैसे डायग्रामेटिकली उसको आसान भाषा में और समझा जा सकता है। तो मान लेते हैं कि कोई एक ऐसे ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक ऐसा, और मुझे इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना, मैं यहां पर रखूंगा तो बैलेंस होगा क्या,
नहीं होगा, इधर बैलेंस होगा क्या? कहीं इधर मैं रखूंगा तो ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट के बहुत ये बैलेंस हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है बैलेंस, इस पॉइंट के बहुत बैलेंस हो रहा है, तो मान लेते हैं बहुत सारे इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे ना, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, मान लेते हैं ये डब्ल्यू वन, ये डब्ल्यू टू, ऐसे डब्ल्यू एन, ऐसे वेट एक्ट कर रहा है, तो इस डब्ल्यू वन के वजह से यहाँ पे कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे ये बैलेंस हो जा रहा है, तो इसके वजह से डब्ल्यू वन डी वन मूवमेंट होगा, ठीक है, वैसे इधर डब्ल्यू एन डी एन मूवमेंट होगा, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जब बैलेंस कर ले एक दूसरे को तो उस पॉइंट पे ये बैलेंस हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हो जा रहा है वही इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, सीजी हो जाएगा, क्लियर है, होपफुली सबको क्लियर है। तो वंस मोर कि वो पॉइंट जिसके अबाउट किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करें, उसके एवरेज वेट को हम लोकेट कर पाए, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मोमेंट के टर्म में मैं मान लेता हूं कि उसके बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने उसके वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो उन सारे वेट की वजह से किसी एक पॉइंट के अबाउट नेट मोमेंट आता होगा जीरो, और वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेगुलर ऑब्जेक्ट, कुछ रेगुलर ऑब्जेक्ट है उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, देखते हैं कुछ रेगुलर ऑब्जेक्ट है उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या। तो पहला है रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल स्क्वायर और पैरेललोग्राम, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर और पैरेललोग्राम का कहां पे होता है, यहां पे इसका डायगोनल इंटरसेक्ट करे, यहां पे इसका डायगोनल इंटरसेक्ट करे, मान लेते हैं कि ये मेरा पैरेललोग्राम है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल इज सीजी फॉर रेक्टेंगल स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम, ठीक है, इन सब के लिए क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। फिर ट्रायंगुलर लेमिना लेंगे, कोई ट्रायंगल लेंगे तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रायंगल के बारे में, जब ट्रायंगल लेंगे तो ये मीडियन ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं इसका मीडियन, क्या है ये मीडियन, ट्रायंगल का क्या है मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। वैसे भी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा ट्रायंगल का, उसका मीडियन ही, मीडियन ही उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये मीडियन, ये मीडियन, ये मीडियन, जिस पॉइंट पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा ट्रायंगुलर लेमिना का, ठीक है। सिलेंडर के बारे में बात करते हैं, ये लिख दीजिएगा आप लोग ट्रायंगल का, सिलेंडर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर का मान लेते हैं कि एक्सिस, मान लेते हैं कि एक एक्सिस मैंने ड्रॉ किया जिसके अबाउट सिलेंडर को मैं रोटेट कर पाऊं, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सेंटर ऑफ इट्स एक्सिस, इस एक्सिस का, इसका ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, और इस एक्सिस का सेंट्रल पॉइंट, सेंटर ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ, यानी कि एक मैं ऐसे सिलेंडर लूं तो उस सिलेंडर का सिमेट्री पार्ट क्या होगा, उसको दो बराबर भाग में बांट, ऐसे, ठीक है। कुल्फी साहब खाया होगा, कुल्फी, कुल्फी खाया होगा, तो कुल्फी क्या होता था, ऐसे गोल वाले में बांट निकालता है तो क्या होता है, गोल होता है, उसको बीच में से ऐसे काट देता है, तो बीचों बीच वो सिलेंडर का फॉर्म नहीं होता है, कुल्फी उसको बीच से काटता है तो हाफ पार्ट इधर हाफ, तो वो बीच वाला होता है एक्सिस ऑफ दैट सिलेंडर, और इस बीच वाले का बीच वाला जो पार्ट होगा वो होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी, ठीक है। फिर आते हैं सर्कुलर लेमिना का, तो ये जरा समझना, यहां से एक बात समझ में आएगा, मान लेते हैं कि ये मेरा एक स्फीयर है, ये सर्कल, सर्कल, तो इसका जो सेंटर होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा, सेंटर ऑफ
सर्कुलर सेंटर ऑफ सर्कल। अब जरा देखते हैं, क्या मान लेते हैं कि एक बॉल है, क्या है एक बॉल है, स्फीयर है, या एक रिंग है, क्या है एक रिंग है, ऐसे रिंग है, तो उस रिंग के अंदर में नहीं, उस रिंग के अंदर में होगा, उस रिंग पे नहीं, तो यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर भी लाई कर सकता है या उसके अंदर में भी लाई कर सकता है, जरूरी नहीं कि उसके सरफेस पे ही लाई करे। एक मैं स्फीयर ले लू या बॉल ले लू, तो उस बॉल का सेंटर क्या होगा, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, जो बीच में खाली जगह है उसका जो सेंटर होगा ना वो होगा, ठीक है। तो वैसे ही यानी कि यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा जरूरी नहीं है कि इनसाइड द बॉडी ही रहे, आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है, बॉडी पे ही रहे नहीं जरूरी, उसका अंदर या बाहर भी हो सकता है। क्लियर है, ये रेगुलर बॉडीज मिले था। अब फिर आते हैं कि यदि इरेगुलर बॉडी मिल जाए, इरेगुलर बॉडी कोई इरेगुलर शेप मिल गया, मान लेते हैं ऐसा है, ऐसा इरेगुलर शेप, तो इस इरेगुलर शेप के कॉर्नर कॉर्नर पे हम एक पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट ले लो वन, ये पॉइंट ले लो टू, इस पॉइंट को ले लो थ्री, इस पॉइंट को ले लो फोर, इस पॉइंट को ले लो फाइव, मान लो यहां पे छेद कर दो, ड्रिल कर दो, इसको क्या कर दो, इन पॉइंट्स को ड्रिल कर दो, इरेगुलर ऑब्जेक्ट लिया है, इरेगुलर ऑब्जेक्ट, वो सब क्या था, रेगुलर था, तो उसका लाइन ऑफ सिमेट्री हम निकाल सकते हैं, रेगुलर ऑब्जेक्ट का लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल लेंगे और लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही वो लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन इरेगुलर ऑब्जेक्ट है तो क्या है, तो मैंने क्या किया कि यहां पे जितना इसका कॉर्नर पॉइंट था वहां पे मैंने ड्रिल कर दिया, और यहां पे मान लो कि यहां पे वो ऑब्जेक्ट है, ऐसे टेढ़ा वाला एक कांटी है, इस कांटी ने उस ऑब्जेक्ट को फंसा दिया, तो रेस्ट करेगा। अब इस कांटी में मैं ये मान रहा हूं ये नेल है मेरा, ये नेल है, नेल है, इस नेल पे मैंने इसको रखा और यहां से एक थ्रेड लाई कर दिया, मैंने यहां पे क्या किया, एक थ्रेड थोड़ा सा भार से इस नेल से एक थ्रेड मैंने ऐसे नीचे गिरा दिया और इस थ्रेड को मैंने मार्क कर लिया, इस थ्रेड को मैंने क्या किया बाद में मार्क कर लिया, एक एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट लिया, बहुत सारे उसमें छेदा किया, ड्रिल किया और उस इरेगुलर ऑब्जेक्ट को एक एक करके लटकाएंगे, पहले पॉइंट वन को नेल में लटकाए और वहां से एक थ्रेड लिए हैवी और लटका दिया और उस थ्रेड को ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, फिर पॉइंट टू को लेंगे, पॉइंट टू से लटकाएंगे, पॉइंट टू से लटकाया, मान लो थ्रेड का पोजीशन लिया है, पॉइंट टू से थ्रेड का पोजीशन लिया है, फिर पॉइंट फोर से लटकाएंगे, मान लेते हैं कि ये पोजीशन लिया है, फिर पॉइंट थ्री से लटकाएंगे, मान लेते हैं कि ये एज इट इज चला गया, फिर पॉइंट फाइव से लटकाएंगे, मान लेते हैं कि ये ऐसे आ गया, तो जिस पॉइंट पे सब आके मीट कर रहा है, जिस पॉइंट पे सब, जैसे मैंने पहले पे लटकाया ये लिया, यहां पे इरेगुलर ऑब्जेक्ट लटकाया, ऐसे ये लटक रहा और स्टेबल हो गया, तो यहां पे एक मैं थ्रेड लिया, उस थ्रेड को ऐसे सीधे एक थ्रेड में मैंने थोड़ा सा एक बॉल लटका दिया, वो कहां पर लाई कर रहा, उस थ्रेड को मैंने पॉइंट आउट कर लिया। अब मैंने क्या किया, दूसरा पोजिशन लिया, दूसरे पोजिशन को फिर थ्रेड में रखा, वहां से बॉल को लटकाया, वहां से ले लिया, तीसरे को लिया, तो सब कहीं ना कहीं जो थ्रेड मैं ड्रॉ करूंगा वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर कट करेगा, जिस पॉइंट पर कट करेगा वही हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बात समझ में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब कि वो पॉइंट जहां पे एवरेज वेट लोकेट हो या वो पॉइंट जिसके अबाउट नेट मूवमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। रेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए उसके सिमेट्री के लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है, इरेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे इस तकनीक से हम निकालेंगे किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो हो जाएगा, ठीक। और वो आउटसाइड बॉडी भी लाई करता है, हमने क्या देखा, एक सर्कुलर डिस्क लिया उसमें देखा, और एक बूमरैंग होता है, क्या होता है, बूमरैंग, बूमरैंग डिवाइस है, कुछ है नहीं, वो ट्रायंगल के टाइप होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ट्रायंगल टाइप का, तो इसका सीजी कहीं इधर लाई करेगा इसके आउटसाइड, ठीक है। तो यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी नहीं है कि हर बार इनसाइड ही लाई करे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड द बॉडी भी लाई कर सकता है, ठीक है। तो यही इस टॉपिक में है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग निकालेंगे कैसे, रेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए उसके लाइन ऑफ सिमेट्री पे, इरेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए जो तरीका मैंने बताया, और कभी कभी आउटसाइड भी हो सकता है, ठीक। और जो मैंने लिखवाया वो सारी चीजें कि ट्रायंगुलर लेमिना के लिए कहां पे होगा, सर्कुलर लेमिना के लिए कहां पे होगा, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम के लिए कहां पे होगा, स्क्वायर के लिए कहां पे होगा, सिलेंडर के लिए कहां पे होगा, इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मोशन, सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रिफ्यूगल फोर्स। बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है, क्यों, एक्सप्लेन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।